पीएससी के जवान की परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी है। जी हां, मथुरा से खबर है, जहां पर मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके रांची बॉगर में बने पीएसी कैंप में एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रांची बागर में पीएसी का कैंप है, यहां पर 15B बटालियन आगरा की यूनिट रहती है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह की सुरक्षा में तैनात है। इसी कैंप में नोएडा के भट्टा पारसोल निवासी सुधीर मलिक पीएससी के जवान के रूप में तैनात था। ड्यूटी पर जाने के दौरान अचानक आज सुबह तेज आवाज आने पर जब साथियों ने जाकर देखा तो सुधीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घायल अवस्था में सुधीर को आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीएसी के जवान सुधीर मलिक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत की पुलिस द्वारा गहन छानबीन भी की जा रही है। हादसा कैसे घटित हुआ, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सिपाही थे, 15 बटालियन में तैनात थे। उनकी कंपनी यहाँ तेजस में ड्यूटी करने के लिए आई थी रात को लगभग 1:30 बजे करीब में। उनके जो इंचार्ज हैं प्लाटून कमांडर साहब ने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। उस जो इंजर्ड सिपाही था हॉस्पिटलाइज कराया गया, हॉस्पिटल द्वारा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई है। ये भट्टा पारसोल गांव पड़ता है धनकौर में, वहाँ का रहने वाले हैं, नोएडा पड़ता है। ये बॉडी को पीएम पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा करके उनको सम्मान के साथ में वहाँ घर भिजवा दिया गया है। बाकी इसमें जो मौके पर फॉरेंसिक टीम से हमने एविडेंसेस उठाए हैं, सब वहाँ घटनास्थल का विजिट कर लिया गया है। बाकी इसमें कोई तथ्य इसमें और आएगा तो यदि कोई विधिक कार्रवाई बनती है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो बात उनसे बातचीत हुई है तो इसमें बिल्कुल सुसाइड की घटना है। बाकी अन्य कोई बात आती है क्यों किया कैसे किया, ये जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। थैंक यू।